हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज आती है कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली क्या होता है। देखिए, हमारी जो बॉडी है या एक लिविंग बॉडी कोई भी है, वो बहुत सारे काम करती है और इस काम करने में हमारी बॉडी का एनर्जी यूज होता है। हम लोग वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, मटेरियल एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये सारी जो चीज आती है इसको वी कॉल मेंटेनेंस जॉब। ये जो कहलाते हैं ये सारे फंक्शंस को वी कॉल मेंटेनेंस जॉब, कि एक जो बॉडी है, लिविंग बॉडी है, वो सही हालात रहे, उसका सही वो फंक्शनिंग करता रहे, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस जॉब। जैसे आप एक नया व्हीकल परचेज करते हो तो आप उसके टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो। क्यों करवाते हो? ताकि ये स्मूथली रन करती रहे, तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस जॉब। आप उसकी साफ सफाई करते हो, उसका कपड़ा लगाते हो, तो इसी तरीके से बॉडी को भी जो है वो मेंटेनेंस जॉब जो होता है वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली पंप करता है ब्लड को, जो अपना लंग्स है वो लगातार एयर को इन आउट करते हैं, जो किडनीज है वो फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। तो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी प्रोसेसेस जो मिलजुल के इस मेंटेनेंस जॉब को करती है, उसे वी कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब यह है कि अगर इनमें से एक भी प्रोसेस अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर लाइफ या फिर जो बॉडी है उसका सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा और हो सकता है एक स्टेज पे जाके डेथ ही हो जाए। तो ये सारी प्रोसेसेस जिससे एक लिविंग बॉडी अच्छे से काम करती रहे, उन प्रोसेसेस को वी कॉल लाइफ प्रोसेसेस। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब क्या है इस चीज का, कि उनके पास टिश्यूज होते हैं। टिश्यू किससे बनते हैं? सेल बनते हैं। सेल के पास क्या होता है? स्मॉलर कंपोनेंट, जिनको आप लोग सेलुलर ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं स्मॉलर कंपोनेंट्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, दीज ऑल आर सेलुलर ऑर्गेनल्स। तो ये उनके अंदर होते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। एनवायरनमेंट के फैक्ट के असर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है, वो कहता है ब्रेक डाउन होता रहता है टाइम टू टाइम। मतलब क्या चीज है, जैसे आपको या न्यू व्हीकल परचेज किया तो आप उसको रनिंग में ले आओगे, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद उसका कोई ना कोई स्क्रू जो है वो लूज हो गया है, कोई ना कोई जो चीज है उसकी वो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर रही है। तो उसी तरीके से जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग अपना एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट और काफी सारे अदर फैक्टर्स की वजह से हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता रहता है। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। लेकिन अगर और जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से टूट जाए तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए जो जिंदा जीव है उनको अपना जो स्ट्रक्चर है वो रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ता है लगातार। रिपेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज खराब हो जाए तो आप उसे ठीक करवाते हो, दैट इज कॉल्ड रिपेयर। तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सपोज कोई इंजरी लग गई है, तो उसको रिपेयर करना जरूरी है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी अच्छी चल रही है तो वो अच्छी चलती रहे, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस जॉब। तो लिविंग क्रिएचर्स को रिपेयरिंग और मेंटेनेंस दोनों चीज करनी पड़ती है। अगर उसकी बॉडी हेल्थी है, ठीक चल रही है, तो उसको वो स्टेट कायम रखना होता है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कहीं इंजरी हो गई है, तो उसको भी रिपेयर करना जरूरी होता है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स ऑल अराउंड ऑल द टाइम। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हर समय मूव करते रहना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो था वो एक्चुअली ये क्वेश्चन बना रहा है कि व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्यों जरूरी है। तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज हैं, सेल हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं,
तो बॉडी पे जो है ये सिस्टम कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता रहता है इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, और उसे रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं की जाएगी तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, तो मॉलिक्यूल्स को मूव करते रहना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ कॉन्ट्रावर्सी अबाउट वेदर वायरस आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ये कॉन्ट्रावर्सी क्यों है कि जो वायरस है वो जिंदा है सच में या फिर नहीं, इसके बारे में मतभेद क्यों है, अलग अलग आइडियाज क्यों है? तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। तो वायरस कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सेल है वो उसके हेल्प से अपने आप को मूव करवाता है, अपने आप की ग्रोथ करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है। तो जब तक वो किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में कांटेक्ट में नहीं आया, तब तक ये वायरस भी एक्टिवेट नहीं होगा, ये कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये अभी इसको प्रॉपरली ये कि जिंदा चीज में है या नॉट लिविंग बींग में है वो प्लेस नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन नहीं होता जो कि फूड को टेक इन कर सके, गैसेस को एक्सचेंज कर सके या फिर वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सके, क्योंकि 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 उनकी जो पूरा सरफेस है ऑर्गेनिज्म का वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है तो फिर वो एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, फूड लेना, गैसेस का एक्सचेंज करना, वेस्ट को रिमूव करना एक्सेट्रा, सारे काम वो खुद कर देगा। वो कोई और वो क्यों कर पा रहा है कि सेल की हेल्प से, क्योंकि उसका जो एक सेल है वो ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल है वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, दैट इज द रीजन। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल होते हैं, सभी सेल कहता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास लंग्स हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एयर जो आउटर वाली एयर है, एटमॉस्फेयर वाली एयर है, उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। हमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि अपना नोज हो गया, उसके थ्रू वहां पे लेके जानी होती है एयर, और उसी के थ्रू वो एयर बाहर निकलती है। लंग्स डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी सेल। तो इसीलिए सभी सेल्स की रिक्वायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेसेस हो रही है, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो मल्टी सेलुलर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके सभी जो पार्ट्स हैं या जो सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते तो फिर ये जो प्रोसेस था वो डिफ्यूजन के थ्रू ही चल पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, क्वेश्चंस आ गए हैं इंडेक्स जो आपकी बुक में कवर किए हुए हैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? Diffusion का जो प्रोसेस है वो काफी नहीं है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग। क्यों? इसका आंसर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्योंकि बिकॉज All the cells are
नॉट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमोस्फेयर बेटर वर्ल्ड। All the cells are not having direct contact with atmosphere, so diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans. जैसे suppose करो हमारे heart को भी oxygen चाहिए, लेकिन oxygen पहुंचाने के लिए हमारे पास जो हर्ट है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है एटमोस्फेयर के, तो इसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, तो इसीलिए डिफ्यूजन से रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें अलग जो है वो सिस्टम यूज करना पड़ता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सा तरीका हम लोग यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या कोई चीज अलाइव जिंदा है? तो कुछ कॉमन एविडेंसेस है यहाँ पे, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि कौन कौन से टाइप की मूवमेंट हो गई, वॉकिंग चल रहे हो आप, स्पीकिंग बोलने वाली हो गई, और क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग, शाउटिंग चिल्ला रहे हो, ब्रीथिंग हो गया, सांस हो गया, ठीक है। तो ये सारी वो मूवमेंट्स हैं जो मतलब ये इंडिकेट करती है हमारे लिए कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। फॉर प्लांट्स वेदर इट इज ग्रीन और नॉट, प्लांट्स के लिए हम लोग कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि वो ग्रीन है या नहीं है? अगर वो ग्रीन होगा तो हम लोग उसको लिविंग मान लेते हैं, ग्रीन नहीं है तो फिर वो हम लोग मान लेते हैं कि ये नॉन लिविंग हो गया है। इसके अलावा क्या होता है, सम मूवमेंट्स, बट सम मूवमेंट्स आर occurred at low level that cannot be seen by naked eyes। तो कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जो लो लेवल पे होती हैं कि वो हम लोग अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर मस्ट फॉर समवन टू बी अलाइव। तो इसीलिए किसी को जिंदा रहने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का होते रहना जरूरी है। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो मतलब डिसाइड करने में काम आती है कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। तो ये आप लोग का भी जनरल क्वेश्चन है, आपको जस्ट आइडिया होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एनी ऑर्गेनिज्म। तो कौन से आउटसाइड से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा? अगर हम लोग यहाँ पर एनिमल्स की बात करें, जैसे इसमें ह्यूमन बींग भी आ गया, तो हम लोग क्या क्या रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फूड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई ताकि उसको ब्रेक डाउन किया जा सके, वाटर हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए। इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में क्या रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो मतलब क्या चीज है कि ये डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का डिजाइन कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो वो सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती है कि क्या मतलब रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा।
तो इसके हिसाब से हम अपना आंसर यहाँ पर ये वाली चीज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन सी प्रोसेसेस को आप मानोगे कि जरूरी है लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए, तो आपके इस चैप्टर में आएंगी न्यूट्रिशन, नंबर दो पे आएगा रेस्पिरेशन, नंबर थ्री पे आएगा ट्रांसपोर्टेशन, नंबर फोर पे आएगा एक्सक्रीशन। ये वो प्रोसेसेस हैं जो मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इनके बिना लाइफ नहीं हो सकती एग्जिस्ट। ये चार चीजें हैं जो आप अपने सिलेबस में भी पढ़ोगे। चलिए, तो पहला है हमारे पास न्यूट्रिशन। चलिए शुरू करते हैं। अ प्रोसेस टू कंसीडर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का सोर्स ट्रांसफर किया जाता है बॉडी के बाहर से, जो ऑर्गेनिज्म के बाहर पड़ा हुआ है। मतलब बॉडी के बाहर एक चीज है जिसे अपना सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, उसे ट्रांसफर करना है, विच वी कॉल फूड। और वो सोर्स के एनर्जी को क्या नाम देते हैं, अपना फूड देते हैं, टू द इनसाइड। और उसे कहां पे लेके जाना है, बॉडी के अंदर। उस प्रोसेस को वी कॉल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का सोर्स जो कि फूड है वो बॉडी के बाहर है, तो आप उसे बॉडी के अंदर लेके जाना चाहते हो, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर बॉडी साइज को ग्रोथ करना है तो फूड के अलावा कुछ और रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी अच्छा शेप बने, अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा डेवलपमेंट हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमें खाना होता है, रोटी होती है या चावल होते हैं, उनका यूज होता है कि वो जिंदा रह सके। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है बॉडी का, तो आपको नट्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ताकि आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से हेल्थी ग्रोथ कर सके। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, सिंपली एनर्जी के सोर्स को बॉडी के अंदर लेके जाना। और दूसरे पॉइंट में ये बात हो गई कि अगर आप अपनी बॉडी का अच्छे से ग्रोथ करवाना चाहते हो, तो कुछ और मटेरियल भी आपको टेक इन करने होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दोनों पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो अर्थ पे लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो जो ज्यादातर फूड सोर्सेज है वो भी किससे है, वो भी कार्बन से बने हुए हैं, वो भी कार्बन बेस्ड है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज। अब इन कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करते हुए, मतलब इन कार्बन सोर्सेज की कि ये जो फूड सोर्सेज हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स है। दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशनल यानी कि फूड जो है वो उसका यूज करते हैं। क्योंकि कार्बन सोर्सेज, जैसे आप बात करें कोई भी, मतलब आप फूड उठाते हो, सपोज करो मैंने बात कर ली राइस की, चावल, और मैंने बात कर ली आप कह सकते हो कुछ और खाना, जैसे सपोज कर लो लेट मी से वीट, कनक। तो ये जो चीजें हैं ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका बॉडी डिजाइन भी अलग होता है। तो इसी दोनों सिस्टम को देखते हुए हर कोई ऑर्गेनिज्म अलग तरीके का न्यूट्रिशनल प्रोसेस यूज करता है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है वो वेज और नॉन वेज दोनों टेक ओवर कर लेता है, लेकिन जो लाइन है वो सिर्फ नॉन वेज करेगा। इसी तरीके से जो काऊ है, जो आप गोट है, वो सिर्फ वेज होती है। तो मतलब क्या है, ये बॉडी डिजाइन के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि क्या मतलब वो ऑर्गेनिज्म किस चीज को अपना फूड बनाएंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आ गया है, जिसमें सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड बना लेते हैं कैसे, इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज करते हुए. इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो मतलब नॉन लिविंग चीजों से बने हैं, और वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इनको वो यूटिलाइज करेंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स दी ऑटोट्रॉप्स, और इनमें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया शामिल है. एक चीज और आपको शायद पता ही होगा, आपके दिमाग में होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल उनके खुद के पास होता है, तो इनकी प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, दीज आर इनऑर्गेनिक सोर्सेज, तो इनको यूटिलाइज करके वो अपना फूड बना रहे हैं. देन सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक. अदर ऑर्गेनिजम्स यूज दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब जो फूड प्लांट्स ने बना दिया कहते हैं वो एज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सिंपल थे, इनको मिला के फ्रूट प्लांट ने क्या किया, खाना बना दिया, जिसे वी कॉल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. अब दूसरे जितने बाकी ऑर्गेनिज्म बच गए वो इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं और जिंदा रहते हैं. लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले सिंपलर में, सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है ताकि बॉडी का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो होता रहे. मतलब डायरेक्टली आपने खाना खा लिया और ये भी है कि ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, पहले बॉडी उस खाने को अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करती है, उसे एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर वो कन्वर्जन जो होता है उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, जिसमें आप अपना काम करते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है. और दोज आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. और ऑटो मतलब सेल्फ, यानी अपना फूड खुद ही तैयार कर लेते हैं. टू अचीव दीज ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम. अब फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी ना किसी चीज की तो जरूरत है, तो ऑर्गेनिज्म जो चीज यूज कर रहे हैं उन्हें वी कॉल एंजाइम्स, और उनको बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं. बायो का मतलब होता है लिविंग, जो मतलब रिएक्शन लिविंग वन में हो रही है, और कैटालिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को फास्ट करना. रिएक्शन को क्या करना है, फास्ट करना है. तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, इसको फास्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक लिविंग अंदर हो रही है तो इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं. और एंजाइम्स बोला जाता है इनको, कि वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके बॉडी के द्वारा. Thus, heterotrophic survival depends directly or indirectly on autotrophs. तो आप ये कह सकते हो कि जो heterotrophic nutrition है वो directly या फिर indirectly autotrophs पे depend करता है. बात भी सही है. Example क्या है, जैसे हम लोग अब बात करें goat की, तो goat के लिए क्या चीज है, जो grass है वो उसके लिए खाना है. तो देखो यहाँ पे तो directly हो गया, grass goat के लिए food है, तो गोट क्या करेगी, डायरेक्ट घास को खा लेगी. हॉर्स हो गया, घोड़ा हो गया, तो उसका मतलब ये क्या चीज हो गया, डायरेक्टली डिपेंडेंसी हो गई. इनडायरेक्टली में क्या है, लुआइन जो है वो नॉन वेज है, तो वो किसको खाएगा, सपोज कर लो गोट को खाता है, लेकिन जो गोट है वो किसको खा रही है, वो ग्रास को खा रही है. तो यानी कि लुआइन ने अगर सर्वाइव करना है तो गोट होनी चाहिए, और अगर गोट है तो गोट को सर्वाइव करना है तो उसके लिए ग्रास चाहिए. तो इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्टली वे से जो लाइन है वो भी किस पे डिपेंड कर गया, ग्रास पे. अगर ग्रास खत्म कर दोगे तो गोट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो फिर लाइन को सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो गोट तब जिंदा है अगर ग्रास है, और अगर ग्रास है तो गोट जिंदा है, गोट जिंदा है तो लाइन भी जिंदा रहते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोलते हैं आपका इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी ऑन ऑटोट्रॉफ. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और फंजाई आप इंक्लूड कर सकते हो. बेसिकली दीज आर एग्जांपल्स. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही. आई होप आपको ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, एंजाइम,
ये बातें जो है वो क्लियर हुई होंगी, थोड़ा चैप्टर का आइडिया लगा होगा। काइंडली इसको जरूर रीड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।